अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एग्रीकल्चर एडवाइस में खुश आमदीद। आज मैं आपको एग्रीकल्चर एडवाइस की मैं कुछ अहम चीज़ें बताने वाला हूं जो कि बहुत अहम है। चावल सुपर कायनात क्या चीज़ है और किस तरह होता है, इसकी काश किस तरह होती है और ये किस तरह काश किया जाता है। ये देखो, ये एरिन सुपर कायनात चावल है जो कि ये अब चावल बिल्कुल तैयार हो गया है, ये अब पका हुआ है। तकरीबन 10-20 दिन के बाद ये तैयार हो जाएगा। ये चावल ज़बरदस्त चावल है, सुपर कायनात है और ये बहुत ही ज़्यादा पैदावार देता है अगर मेरी एडवाइस पे आप जो अमल करेंगे। चावल है, चावल की काश्त करो क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा है। इसकी दो तीन का ये जो चावल है ये एरिनेन है, ये अभी इसके ऊपर जो है ना सिर्फ फूल लगे हुए हैं, ये अभी तैयार होने वाला है बिल्कुल। ये एरिनेन चावल है, ये देखो स्क्रीन पर भी आ रहा है एरिनेन चावल, इसके ऊपर फूल लगे हुए हैं, ये बस तैयार होने वाला है, अभी पका नहीं है। इसके जो है ना फपूंदी निकल रही है, जिमें सराइके जैसा दें गब्बे दे तैयार है, ये बिल्कुल तैयार है चावल, बिल्कुल तैयार होने वाला है। लेकिन ये है उस वक्त तक तैयार नहीं होता चावल क्योंकि चावलों में पानी खड़ा होना चाहिए, अगर खड़ा नहीं होगा तो चावल ज़्यादा काश नहीं देगा, ज़्यादा पैदावार नहीं देगा। काश्त के लिए इसमें जो है ना ज़्यादातर जब काश्त करो इसके DAP की 2 बोरियाँ डालो किले में ना, 1 एकड़ में किला कहते हैं, एकड़ कहते हैं, 2 बीघे होते हैं यानी 16 कनालों में। इसमें 1 DAP की बोरी डालो और उसके बाद 1 यूरिया की, उसके बाद चावल लगा लो और इसमें फिर जिंक डालो और इसके ऊपर स्प्रे करो क्योंकि देखो अब इसमें गंद नहीं है, बिल्कुल चावल ये देखो अब तैयार होने वाला है। इसके फूल भी लगे हुए हैं, अभी इसमें जो है ना थोड़ा थोड़ा चावल तैयार हो गया है। चावल तैयार करने के लिए मेहनत तो है लेकिन इसमें इसकी देखभाल भी लाजमी है, इसकी केयर करनी चाहिए। ये देखो बिल इसके ऊपर फूल लगे हुए हैं ना चावलों के, अभी ये इसमें जान जो है ना ऐसा ऐसा आ रही है चावलों में। ये है कि चावलों के फूल निकले हुए हैं ना, अब सब चावलों के फूल निकले हुए हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ को ध्यान रखना है कि इसमें पानी जो है ना, पानी की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए, पानी इसमें सूखना नहीं चाहिए। अगर पानी सूख गया तो फिर ये चावल मज़ा नहीं करेगा, बिल्कुल मज़ा नहीं करेगा। इन्होंने चावलों में पानी खड़ा हुआ है बिल्कुल, जिस तरह सरेकी में साथ है ना छेबल मची खड़ी है वो बिल्कुल उसी तरह इसमें जो है ना जिस तरह वो सोमा होता है ना वो बना हुआ है। इसी वजह से ये चावल ज़बरदस्त चावल हैं। ये तकरीबन है 8-9 बीघे के, 8-9 बीघे चावल हैं ये जो तैयार हुए हुए हैं। इसमें एक सुपर कायनात है, एरिनेन है, एरी6 है। चावलों की भी कई वैरायटियां होती हैं ना, इस वजह से ये चावल बहुत अच्छा हुआ है। इसमें इन्होंने बड़ी मेहनत की है, बहुत ज़बरदस्त मेहनत की है। ये चावल देखो अभी तैयार होने वाला है, ये 10-12 दिन में तैयार हो जाएगा, बिल्कुल तैयार हो जाएगा, बिल्कुल ये अब चावल तैयार हो गया है, बिल्कुल तैयार है। 10 दिन के बाद इसकी कटाई शुरू हो जाएगी। ये देखो ना, अब ये चावल थोड़ा थोड़ा पका हुआ है बिल्कुल, इसके 10 दिन बाकी हैं, उसके बाद इसकी जो है ना इसको काटना शुरू कर देंगे। ये एरिनेन है, एरिनेन भी है सुपर। एरिनेन का अलहदा एक तकरीबन 16 कनाल की जो है ना अलहदा है और जो 16 कनाल में एरिनेन है, 16 कनाल में सुपर कायनात है और एरी6 है। ये बहुत सारी वैरायटी हैं चावलों की, बहुत ज़्यादा वैरायटियाँ होती हैं। ये देखो इसके फूल बने हुए हैं, इसमें कुछ चावल पका हुआ है, कुछ कच्चा है, लेकिन कुछ के फूल निकले हुए हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, जब चावल के फूल निकलने लगे ना उस टाइम चावलों में जो है ना आप जिंक डालें, क्योंकि जिंक डालें और स्प्रे करें। जिंक डालेंगे ना तो जो इसका पौधा है ना, जो इसका फूल निकल रहे हैं वो सही माने तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल ज़बरदस्त, क्योंकि उसमें पैदावार ज़्यादा होगी। इस बात का आप करने ख़ास ख्याल रखें, जिस टाइम भी किसी चीज़ के भी फूल निकले ना उसको ताकत दो। जैसे आप ताकत दोगे जो फूल निकलेगा वो ताकतवर होगा और उसके उसका जो बीज बनेगा ना, जो उसमें उसका फल लगेगा उसको ज़्यादा फल लगेगा। कुछ इस तरह करते हैं, जब जो है ना फूल निकल रहे हो ना पानी लगाते हैं और ना ही जो है ना खाद डालते हैं, ना जिंक डालते हैं, इस वजह से उनके जो ऊपर से चावल होते हैं वो खाली हो जाते हैं, फिर कहते हैं हमारी पैदावार नहीं बढ़ी, ये है वो है, इस तरह के बहुत सी शिकायत आती हैं ना। तो एक बात जहन में रखनी है, देखो इस चावलों के भी फूल निकले हुए हैं, फूल निकले हुए हैं, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा इसके फूल निकल रहे हैं। जैसे फूल निकले ना आपने चावलों में एक तो यूरिया डालनी है, अगर यूरिया नहीं डालें तो जिंक डालो, जिंक डालने के बाद इसमें स्प्रे करो।
जैसे ही आप स्प्रे करोगे, जिंक डालोगे ना, ये आपको ज़बरदस्त पैदावार देगा। पैदावार के लिए थोड़ी जो है ना पैसे खर्च तो होते हैं। कुछ ऐसे काश्तकार हैं जो है ना ख़र्चा करते नहीं हैं, फिर कहते हैं, शिकायत करते हैं कि हमारी पैदावार ज़्यादा नहीं है, हमने चावल काश्त किए थे, मज़ा नहीं आया हम इस बार नहीं। ये देखो इसमें आप लोगों को पानी भी नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल पानी, इतना पानी खड़ा है ना इसमें, जिस तरह सरेके जैसा आदे ना सोमा मच गए, ये सोमा मचा गए। एरी नैन है, एरी नैन चावल है, तो इनकी ज़बरदस्त पैदावार हो सी देखना, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त पैदावार होगी इसकी। ये देखो ये अभी इसके फूल निकले हुए हैं, ये देखो आपको नज़र भी आ रहा होगा इसके फफूंदी निकली हुई है, फूल निकले हुए हैं। कुछ चावल नीचे से तो बने हुए हैं लेकिन ज़्यादातर अभी फूल निकले हुए हैं। फिर इसने इसमें जिंक डाली है, जिंक डालने के बाद उन्होंने इसको स्प्रे भी लगाई है, सारी स्प्रे मारी है, लेकिन इसमें पानी खड़ा है। एक एक चीज़ ध्यान में रखना, इसमें पानी लाजमी खड़ा हो। जब तक चावलों में पानी नहीं होगा, चावल किसी काम के नहीं हैं। कुछ काश्तकार हैं जो है ना चावलों में पानी खड़ा नहीं करते, फिर कहते हैं, फिर शिकायत आती रहती हैं, यार चावलों में जो है ना पैदावार नहीं, चावल पैदावार नहीं दे रहे, ये है वो है, बहुत सी शिकायत होती हैं। लेकिन ये है कि पैसा खर्च करना चाहिए, पैसा खर्च करेंगे तो उसमें उनको भी फ़ायदा होगा। और अगर हमसे कोई एडवाइस लेनी, आप हमारा नंबर है उस पर रब्ता करें, आपको जो है ना हम एडवाइस देंगे किस तरह काश्त करनी है, किस तरह चावल जिस तरह बढ़ता जाए उसमें क्या डालना है क्या नहीं डालना। इस बंदे ने अमल किया है और इसने फिर हमारे मशवरे पे अमल किया। अब देखो इसके चावल ज़बरदस्त चावल बने हुए हैं। इसको हमने स्प्रे बताई है कॉल पे, तो वीडियो पे हम नहीं बता सकते स्प्रे कौन सी स्प्रे करनी है ना, लेकिन उन्होंने हमें कॉल किए, फिर हमने उनको बताया है ये है सुपर कनात, ये सुपर कनात का चावल है, ये 10 दिन बाद रेडी है, बिल्कुल रेडी है, इसकी जो है ना फिर इसकी कटाई शुरू हो जाएगी। लेकिन ये है कि चावलों में जो है ना गंद नहीं होना चाहिए, जो भी थोड़ा बहुत गंद होना उसको साफ़ करें या गंद वाली स्प्रे मारें। जैसे आप स्प्रे मारेंगे तो चावल, क्योंकि जब गंद होता है तो जब गंद होता है ना तो चावलों की जो है ना पैदावार कम हो जाती है, क्योंकि वो सारी ताकत जो है ना वो गंद निकाल लेता है।